मोहम्मद बिन सलमान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं और किसी वक्त भी उन पर कातलाना हमला हो सकता है। रशियन मीडिया में रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। इन खबरों में कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं और किसी वक्त भी अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान पर कातलाना हमला करवा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान पर हमला करने का हुक्म अमेरिका की जानिब से आएगा, लेकिन हमला आवर और हमला करने वाले शाही खानदान में से होंगे। मोहम्मद बिन सलमान को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकियां तो पहले भी मिल रही थीं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान के बारे में भी बहुत ज्यादा तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। उनके बारे में भी आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क सऊदी अरब या कोई दूसरा अरब मुल्क नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन मकामी सतह पर जो ऑयल अमेरिका प्रोड्यूस करता है वो अमरीकी कंपनियों को $50 पर बैरल के हिसाब से पड़ता है। अमरीकी कंपनियां उसी वक्त मुनाफा कमा सकती हैं जब वो इस तेल को $60 पर बैरल के हिसाब से बेचें। लेकिन फिर चाइना से आने वाली वबा पूरी दुनिया में फैल जाती है और देखते ही देखते बहुत तेजी से ये वबा पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लेती है। इस वबा के फैल जाने के बाद टूरिज्म और एयरलाइन इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह जाती है। इसी तरह सड़कों पर गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल पाती, क्योंकि जारी बात है पूरी दुनिया इस वक्त एक किस्म के लॉकडाउन में है, जिस वजह से पूरी दुनिया में तेल की डिमांड में हैरतअंगेज हद तक कमी वाकया हुई है। सूरत हाल ये बन जाती है कि 70% तक तेल की डिमांड में कमी आ जाती है और सिर्फ 30% तेल की डिमांड बाकी बचती है, जिसके बाद सऊदी अरब और तेल पैदा करने वाले जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनको शदीद नुकसान होना शुरू हो जाता है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को होने वाले इस नुकसान को पूरा करने के लिए तेल की प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले का मकसद जहां सऊदी अरब को होने वाले शदीद माली नुकसान को पूरा करना होता है, वहीं रशिया को तेल की मार्केट से आउट करना भी इस फैसले का एक मकसद होता है। वबा फैलने से पहले सऊदी अरब एक दिन में 1 करोड़ बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन वबा फैलने के बाद इसमें 6 लाख बैरल का इजाफा कर दिया जाता है, जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बुरी तरह से गिरती हैं। तेल की कीमतें जो $63 पर बैरल थीं, सीधी गिर के $20 पर बैरल पर आ जाती हैं। तेल की गिरती हुई कीमतों की वजह से अमेरिकन शेल कंपनियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ता है और अमेरिकन शेल कंपनियां दिवालिया होने के करीब पहुंच जाती हैं। ख्याल जाहिर किया जाता है अगर तेल की कीमतें यूं ही गिरती रहीं तो अमेरिका में 10 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं। 2020 में अमेरिका में सदारती इलेक्शन भी होने हैं, जिसके बाद ट्रंप पर इस तमाम सूरत हाल के चलते शदीद प्रेशर आता है, जिसके बाद ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान से बात करता है कि सऊदी अरब फौरी तौर पर ऑयल की प्रोडक्शन को कम करे। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया जाता है और सऊदी अरब ऑयल की प्रोडक्शन कम करने को तैयार नहीं होता, जिसके बाद ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान को धमकियां दी जाती हैं। अमरीका की जानिब से सऊदी अरब को कुछ धमकियां सरेआम दी जाती हैं, जैसे कि अमरीका सऊदी अरब से कहता है कि अगर सऊदी अरब ने ऑयल की प्रोडक्शन कम ना की तो अमरीका सऊदी अरब से अपनी फौजें वापस बुला लेगा, जिसके बाद सऊदी अरब 6-7 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सी धमकियां पर्दे के पीछे दी जाती हैं, जिसके बाद बिल आखिर सऊदी अरब को हार माननी पड़ती है और ऑयल की प्रोडक्शन में कमी लानी पड़ती है। सऊदी अरब समेत दूसरे जितने भी तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उन्होंने कल फैसला किया है कि वो योमिया 10 मिलियन बैरल ऑयल की प्रोडक्शन में कमी लाएंगे, जो कि टोटल प्रोडक्शन का 10% है। लेकिन इस बहुत बड़ी कमी के बावजूद अभी भी ऑयल की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पाया। ऑयल अभी भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है और ऑयल की डिमांड इस वक्त बेहद कम है। रशियन मीडिया पर रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि अमरीका चाहता है कि सऊदी अरब ऑयल की प्रोडक्शन में मजीद कमी करे, लेकिन सऊदी अरब और खासकर मोहम्मद बिन सलमान ऑयल की प्रोडक्शन मजीद कम करने के लिए तैयार नहीं, जिसके बाद रशियन इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान की जान को पहले भी खतरा था, लेकिन अब खतरात में मजीद इजाफा हो चुका है और अमेरिका या ट्रंप की जानिब से किसी वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान पर कातिलाना हमला करने का हुक्म दिया जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान पर हमला करने का हुक्म तो अमरीका या ट्रंप की जानिब से दिया जाएगा, लेकिन हमला आवर शाही खानदान में से ही कोई होगा और ये कोई नई चीज नहीं, पहले भी सऊदी शाही खानदान में इकतदार के लिए कत्ल होते रहे हैं। खबरी की जानिब से आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया जाता रहा है कि शाही खानदान में मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से शदीद नफरत पाई जाती है। शाही खानदान मोहम्मद बिन सलमान से शदीद नफरत करता है। वैसे तो इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन बड़ी बड़ी वजूहात में पहली वजह यह है कि शाही खानदान में समझा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान को गैर जरूरी तौर पर वली अहद बनाया गया है, जबकि वली अहद बनना कई दूसरे शहजादों का हक था और मोहम्मद बिन सलमान कई लोगों का हक मारकर वली अहद बन बैठा है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने वली अहद बनते ही जिस किस्म के कारनामे कर दिखाए हैं सऊदी अरब में, वो भी मोहम्मद बिन सलमान से नफरत की एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो बेहयाई फैलाई है, इसी तरह जो शाही खानदान में गिरफ्तारियां की, करप्शन खत्म करने के हवाले से, वो भी मोहम्मद बिन सलमान से नफरत की कुछ बड़ी वजूहात में से एक है। सऊदी अरब से जो दूसरी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है वो ये है कि सऊदी बादशाह शाह सलमान को जद्दा के करीब एक जजीरे पर बने महल में आइसोलेट कर दिया गया है ताकि शाह सलमान को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। लेकिन सऊदी बादशाह के बारे में कहा जा रहा है कि आजकल उनकी तबीयत मजीद खराब हो चुकी है और उनकी भूलने की बीमारी मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सऊदी बादशाह शाह सलमान की याददाश्त इतनी कमजोर हो चुकी है कि बाज दफा वो अपना नाम और अपने बच्चों का नाम तक भूल जाते हैं और कहा जा रहा है कि सऊदी बादशाह की कमजोर याददाश्त ही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी बादशाह यानी अपने वालिद से ये बात नहीं मनवा पा रहे कि उन्हें बादशाह बना दिया जाए, क्योंकि उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो चुकी है और वो इस काबिल नहीं रहे कि किसी किस्म का भी हुक्म सादर कर सकें। अगर शाह सलमान ये फैसला करते हैं कि उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नया बादशाह बना दिया जाए, तो ये हुक्म सादर करने के लिए उन्हें पूरी शाही फैमिली के सामने आना पड़ेगा और पूरी हुकूमती मशीनरी और शाही फैमिली के सामने ये फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूरी शाही फैमिली और हुकूमती मशीनरी के सामने आते हैं, तो जैसा कि आपको बताया कि उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो चुकी है और सबके सामने अगर वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं या कोई बात भूल जाते हैं, तो ये चीज साबित हो जाएगी कि शाह सलमान हुकूमत करने के काबिल नहीं। अगर वो हुकूमत करने के ही काबिल नहीं, तो मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह कैसे बना सकते हैं? यानी मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो जाएगा और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक सऊदी अरब के बादशाह नहीं बन पा रहे। मजीद और भी बहुत सी खबरें आ रही है, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं, इसलिए वो खबरें आपसे शेयर नहीं की जा सकती। वो खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन अगली किसी वीडियो में। इसलिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।